दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बुलेट ट्रेन क्या है, ये कैसे चलती है, ये किस मैकेनिज्म से चलती है, इसके हाई स्पीड का राज क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अक्षय और आप देख रहे हैं यूनिसाइट एक यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को कुछ बोलना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या होगा, हमारे YouTube फैमिली मेंबर्स बढ़ेंगे और मैं साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए इसी तरह से बनाता रहूंगा। दोस्तों लाइक शेयर बिल्कुल कर दीजिए और दोस्तों आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगे, क्योंकि अगर बुरी लगी तो आप कम से कम ये बताइएगा कि उसमें क्या बुरा लगा आपको, ताकि मैं उस चीज को सुधार करूं, उस चीज पे काम करूं, फोकस करूं। और अगर अच्छी लगी दोस्तों तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, इससे मुझे क्या होगा दोस्तों, मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों, मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा। क्योंकि आप अगर कोई अच्छे वर्क करते हैं और उसकी अगर तारीफ लोग करते हैं तो उस अच्छे काम को करने के लिए आपका मन जो है और ज्यादा प्रेरित होता है। लेकिन अगर आप बुरे कार्य करते हैं और कोई बताता है कि आपके अंदर बुराई क्या है तो आप उसको दूर भी कर सकते हैं दोस्तों। इसीलिए मैं चाहूंगा कि इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि आप प्लीज कमेंट तो करके बताएं कि जी कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको मेरी पिछली वीडियोस कैसी लगी थी, ये मुझे बताइएगा ताकि मैं इस पे और अच्छे से वर्क कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर बात करूं बुलेट ट्रेन की तो इसे मैग्नेटिक ट्रेन और मैग्नेट ट्रेन भी कहा जाता है। दोस्तों मैग्नेटिक ट्रेन जो है वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चलता है। मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा, आप अंत तक देखिए आपको समझ में आ जाएगा। और मैग्लेव ट्रेन जो है दोस्तों, मैग्लेव ट्रेन कहने का रीजन ये है क्योंकि ये मैग्नेटिक लेविटेशन इफेक्ट पे काम करता है। इफेक्ट क्या है इसको मैंने आगे बताया दोस्तों, तो आप अंत तक देखते रहिएगा। दोस्तों बुलेट ट्रेन जो है इसका नेम सिर्फ इस वजह से पड़ा है क्योंकि ये बहुत ही हाई स्पीड से चलता है, बुलेट की रफ्तार से चलता है, इस वजह से इसको बुलेट ट्रेन कहा गया। बट इसके साइंटिफिक नेम जो है दोस्तों वो मैग्नेटिक ट्रेन है या फिर मैग्लेव ट्रेन। दोस्तों बुलेट ट्रेन या जिसको मैग्नेटिक ट्रेन भी कहते हैं, ये बिना ट्रैक पे को पकड़े हुए चलती है, मतलब कि ट्रैक पे फ्लोट करते रहती है। जैसे कि ये ट्रैक है अगर, तो इसके ऊपर ये फ्लोट करती है, ये ट्रैक को पकड़ के नहीं चलती है दोस्तों। जो बाकी ट्रेन जो है जिनमें व्हील्स होते हैं वो ट्रैक पे चलते हैं, जिसके नुकसान ये है कि बार बार ट्रैक को चेंज करना पड़ता है। बट इसके फायदे ये है दोस्तों कि इसका जो ट्रैक है वो एक बार अगर बिछ गया तो ये बहुत सालों तक चलेगा और इसमें खराब होने के चांसेस भी नहीं होते हैं। दोस्तों काफी अजीब है ये कॉन्सेप्ट, फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो कैसे वर्क करता है। दोस्तों इसके हाई स्पीड के बारे में मैंने बताया था कि ये बहुत ही ज्यादा तेज रफ्तार से चलती है, इसीलिए इसको बुलेट ट्रेन कहा जाता है। इसके रफ्तार का रीजन भी है दोस्तों कि ये जो है वो ट्रैक के कॉन्टेक्ट में आकर नहीं चलती, ये ग्राउंड के कॉन्टेक्ट से बाहर होती है, इस वजह से इसकी स्पीड हाई है। दोस्तों आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है दोस्तों, जब दो बॉडी आपस में कॉन्टेक्ट में आते हैं तब उसके जो सरफेस से जो फ्रिक्शन निकलते हैं उसकी वजह से क्या होता है दोस्तों कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की रफ्तार जो है वो कम हो जाती है, जैसा कि हमारा नॉर्मल ट्रेन में होता है। लेकिन बुलेट ट्रेन दोस्तों इसमें तो ग्राउंड से कोई कॉन्टेक्ट है ही नहीं, जिस वजह से क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पर फ्रिक्शन जो है बिल्कुल भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों कि इसकी रफ्तार में जो है वो फ्रिक्शन जो है वो कम, ये डिक्रीजमेंट जो है वो नहीं ला पाता, इसी वजह से ये हाई स्पीड ट्रेन की तरह चलती है। दोस्तों जिस ट्रेन में हम लोग सफर तय करते हैं वो एक उसमें व्हील लगे होते हैं, और चूंकि ग्राउंड पे जो है वो पटरी ट्रैक जो है वो बिछे हुए हैं जिसके कॉन्टेक्ट में आने से फ्रिक्शन लगता है, और जब हम लोग उसमें बैठते हैं और जब ट्रेन मूव करती है तो उसमें हम लोगों को कुछ ज्यादा ही वाइब्रेशन फील होता है। लेकिन दोस्तों मैग्नेटिक ट्रेन में, यानी कि मैग्नेटिक ट्रेन जिसको हम लोग बुलेट ट्रेन भी कहते हैं, ये एयर में स्विंग करते हैं। तो एयर में स्विंग करने के समय क्या होता है कि फ्लोटिंग पार्ट जो है दोस्तों वो हिलते नहीं है वो ज्यादातर, इसीलिए जो है वो एकदम इजीली स्मूथली फ्लो करते हैं, और इसके साथ साथ जो है दोस्तों पैसेंजर्स को भी जो है वो ज्यादा ही कुछ कम्फर्ट मिलता है। दोस्तों हमारे देश के हाई स्पीड ट्रेन या फिर किसी भी देश के हाई स्पीड ट्रेन जो है वो दोस्तों एक्सेलरेट और डी एक्सेलरेट होने में जो है वो कुछ वक्त निकल जाता है। आपने देखा होगा दोस्तों जैसे ही किसी जंक्शन से ट्रेन चलती है, हमारे देश में जो चलती है ट्रेनें वो किसी जंक्शन से चलती है तो मैक्सिमम स्पीड गेन करने में दोस्तों मतलब कुछ चार पांच स्टेशन जो है वो क्रॉस करने पड़ते हैं, उसके बाद जाके वो अपने जो मैक्सिमम स्पीड है उसको गेन करती है। लेकिन दोस्तों मैग्लेव ट्रेन में ऐसी कुछ बातें नहीं है, ये पैसेंजर्स के कंफर्ट जोन को देखते हुए अपने स्पीड को ऑटोमेटिकली और तुरंत इनिशियली पकड़ती है दोस्तों, यही इसमें खास बात ये है।
दोस्तों, तो जैसा कि मैंने बताया कि जो बुलेट ट्रेन है वो फ्लोट करती है अपने ट्रैक के ऊपर, जिसकी वजह से जो है उसका स्पीड जो है फ्रिक्शन की वजह से रिड्यूस नहीं होता है, ये हाईली स्पीड से चलती है। तो दोस्तों अब मैं बताऊंगा कि जो ट्रेन जो है वो कैसे फ्लोट कर सकती है, कोई भी ट्रेन या फिर कोई भी मटेरियल जो है वो एयर में कैसे सस्पेंड हो सकता है। दोस्तों मैं इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों मैग्नेटिक ट्रेन के जो बॉडी पार्ट्स है दोस्तों वो बने होते हैं सेमीकंडक्टर से या फिर मैग्नेटिक मटेरियल से, और इसके जो ट्रैक होते हैं इस पे दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी पास होती रहती है। आप जैसा कि इमेज पे देख रहे हैं दोस्तों, ये वर्क कैसे करती है, इसके वर्क करने का मैकेनिज्म क्या है कि जो साइड वाले जो मटेरियल्स है, आप देख रहे हैं इमेज में, आप देख लीजिए इमेज में क्या है कि जो साइड वाले मटेरियल्स है इसमें, इसके जो नॉर्थ पोल, ये मैग्नेटिक मटेरियल है तो जाहिर सी बात है इसमें डाइपोल होंगे, यानी कि मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ। और इस ट्रेन में भी आपने देखा होगा कि मैग्नेटिक साउथ है और एक तरफ मैग्नेटिक नॉर्थ है, और दोनों तरफ जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसमें भी नॉर्थ साउथ और नॉर्थ साउथ है। दोस्तों इससे क्या होता है कि जब ये मैग्नेटिक ट्रेन जो है आगे बढ़ती है, तो ये जो साइड वाले जो आप इसको दीवार कह दीजिए या फिर जो भी कह दीजिए, तो इसके साइड वाले जो है वो एक तरफ से, अगर मान लीजिए कि ये साउथ पोल है, ट्रेन का साउथ पोल है और ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, तो इसको अट्रैक्ट करना चाहेगी, बट इसका साउथ जो है इसको रिपेल करेगा। दोस्तों इससे क्या होगा, इस साइड का फोर्स जो है वो बैलेंस होगा और ये ट्रेन इधर खिसकेगी नहीं। दूसरी तरफ क्या है दोस्तों कि इस साइड अगर मैग्नेट का नॉर्थ है, ये ट्रेन जो है मैग्नेटिक ट्रेन इसका नॉर्थ है, तो इस साइड जो मटेरियल है उसकी साइड जो दीवार जिसको मैंने बोला है, तो नॉर्थ और साउथ है, तो जो साउथ है इसको अट्रैक्ट करेगी बट नॉर्थ इसको रिपेल करेगा, जिससे इस साइड का भी फोर्स बैलेंस है, तो दोनों तरफ का जो फोर्स है दोस्तों वो बैलेंस रहता है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों कि ये नीचे फ्लोट कैसे करते हैं, तो इसका रीजन ये है कि जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल होता है दोस्तों, इसके खास प्रॉपर्टी होती है, और वो ये कि जब उसको आप इलेक्ट्रिक, चूंकि मैंने आपको बताया कि ट्रैक्स जो है आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, और जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जब पास करती है किसी भी ऑब्जेक्ट से, तो उसके अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है दोस्तों क्रिएट होता है, इसी वजह से इसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। दोस्तों इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि सेमीकंडक्टर में एक प्रॉपर्टी खास तरह की होती है, वो ये कि जब इसको आप मैग्नेटिक फील्ड दोगे तो ये उसको रिपेल करेगी, अट्रैक्ट नहीं करेगी। तो इस वजह से दोस्तों क्या होता है कि जो डाउनवर्ड नीचे से जो रेल का जो ट्रैक है वो अपवर्ड की तरफ फोर्स लगा रहा है, और वो जो ट्रेन है वो डाउनवर्ड की तरफ रिपेल कर रही है उसको। इस वजह से क्या होता है दोस्तों के फोर्स जो है वो बैलेंस हो जाते हैं। इसी इफेक्ट को दोस्तों लेविटेशन इफेक्ट कहते हैं, इसीलिए तो इसका नाम था मैग्नेट ट्रेन, मैग्नेटिक लेविटेशन इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो लेविटेशन इफेक्ट हुआ। दोस्तों लेविटेशन इफेक्ट की अगर मैं बात करूं, तो लेविटेशन इफेक्ट ऐसा इफेक्ट है जिसमें क्या होता है दोस्तों कि मटेरियल्स, कोई भी मटेरियल हो दोस्तों, मैग्नेटिक मटेरियल होने चाहिए दोस्तों, इस तरह के मटेरियल्स जो है वो एयर में सस्पेंड करते हैं और अपने आप को बैलेंस करते हैं। नीचे से क्या होता है दोस्तों, एक अपवर्ड की तरफ फोर्स लगाया जाता है ग्रेविटी के अगेंस्ट, क्योंकि ऊपर से नीचे ग्रेविटी खींच रही है उस ऑब्जेक्ट को नीचे, तो ऑब्जेक्ट नीचे तो आना चाहती है, बट नीचे से जो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर जो फील्ड लगा रहा है, जो फोर्स लगा रहा है, उसकी वजह से दोनों फोर्स, ग्रेविटी और जो मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों फोर्स जो है वो बैलेंस कर देते हैं दूसरे को। दोस्तों नीचे से लगाया गया फोर्स जो है वो हाई भी नहीं होने चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वो स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, और जब स्टेबलाइज नहीं होगा तब तक दोस्तों ये लेविटेशन इफेक्ट नहीं होता है। लेविटेशन इफेक्ट में दोस्तों मटेरियल जो है वो एयर में सस्पेंड होते हुए स्टेबलाइज होने चाहिए, वो वाइब्रेट नहीं करने चाहिए दोस्तों। इसी मैकेनिज्म पे जो है वो बुलेट ट्रेन वर्क करता है, इसी लेविटेशन इफेक्ट की वजह से वो दोस्तों वर्क करता है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, अभी ट्रैक पे जो है वो फ्लोट करते रहते हैं ट्रेन, यानी कि इसीलिए इस वजह से जो है इसका एक और नाम भी है दोस्तों, और वो है मैग्नेटिक सस्पेंशन ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम मैग्नेटिक सस्पेंशन ट्रेन भी है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो एयर में सस्पेंड कर रहा है। दोस्तों आप इस इमेज को देखिए, ये इमेज जो है दोस्तों आपको बता रहा है कि इसमें आपने देखा होगा कि एक क्यूबिकल शेप का जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल है, जो कि नीचे बने हुए एक सर्कुलर जो है सुपर कंडक्टर के जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है सुपर कंडक्टर से, उसकी वजह से ये ऊपर में सस्पेंड कर रहा है। आप इस इमेज को देखिए, और दोस्तों ये भी एक तरह का एग्जांपल है लेविटेशन इफेक्ट का, इसी से लोगों ने प्रेरणा लेकर के और वो बनाया था, जो कि जापान में मेड किया गया था, बनाया गया था। दोस्तों ये थी बुलेट ट्रेन से रिलेटेड बातें कि वो चलती कैसे है हाई स्पीड से। दोस्तों बुलेट ट्रेन कहते किसको है ये भी मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।
और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। मैंने आपको पहले ही बताया कमेंट करने से क्या होता है दोस्तों, आपको एक मोटिवेशन मिलता है अंदर से, हाँ चलो रिस्पॉन्स मिल रहा है। अगर आप कमेंट नहीं कीजिएगा तो मतलब बस वही बात है, हाँ देख कर इग्नोर करो, और अंत तक जरूर देखा कीजिएगा वीडियो को, ताकि आपको आप मुझे बता सके कि मुझमें क्या गड़बड़ी है, क्या सुधार करने की जरूरत है, या फिर मुझे थोड़ा और बेटर तरीके का कुछ टॉपिक्स लेकर आना चाहिए। दोस्तों आपको अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप इस कमेंट सेक्शन में लिख कर भी भेजिए मुझे कि आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम है, मैं उस टॉपिक पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा दोस्तों, अगर हो सका तो। तब तक के लिए दोस्तों स्टे सेफ, हैव फन, जय हिंद, वंदे मातरम।